हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, चैप्टर 5 फिजिक्स का। ये 11th क्लास की फिजिक्स का लॉज ऑफ मोशन का ही पार्ट है, जो कि मैंने बीच में छोड़ दिया था, ठीक है। और हो सकता है एग्जाम के पर्पज से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, अगर इनको हम बाई फॉरगेट कर रहे हैं तो एक वर्ड तुम्हारे सामने पड़ता है इक्विलिब्रियम, और दूसरा है कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। पहले दोनों के बारे में देख लो कि है क्या चीज़। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब नेट फोर्स टोटल बैलेंस हो जाए, मतलब जीरो हो जाए। जैसे ये एक मार्कर है, ठीक है, हम इधर से भी फोर्स लगाएं, उधर से भी फोर्स लगाएं, इधर से भी लगाएं, इधर से भी फोर्स लगाएं, और मार्कर इधर से उधर ना जाए, ठीक है। चाहे जितना भी इसे फोर्स लगाएं, लेकिन ये मार्कर इधर से उधर कहीं भी डिस्प्लेस ना हो, अपनी एक्चुअल जगह पे बना रहे। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजिशन। देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, इससे हम इधर से कोई फोर्स लगा रहे हैं, इधर से कोई दूसरा फोर्स लगा रहे हैं, इधर से सपोज दैट कोई तीसरा फोर्स लगा रहे हैं, फिर भी हम इसकी एक्चुअल पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहे। इट मींस कि ये अपनी एक्चुअल कंडीशन में बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो इस पे जो पोजीशन होगी, इसकी कंडीशन होगी, उस कंडीशन को कहेंगे इक्विलिब्रियम, मतलब बैलेंस है ये, ठीक है, ना इधर हो पा रहा है ना उधर हो पा रहा है। अब इस पे कुछ ना कुछ फोर्सेस, सब अनबैलेंस फोर्स है, बैलेंस फोर्स नहीं है, सारे के सारे फोर्सेस कैसे अनबैलेंस। एक मान लेते हैं कोई फोर्स यहाँ पे F1 लग रहा है, ठीक है, दूसरा फोर्स मान लेते हैं F2 लग रहा है, तीसरा फोर्स F3 लग रहा है, ठीक है। अब ये बताओ कि ये कंडीशन कब आएगी, कब ये अनबैलेंस रहेगा? इक्विलिब्रियम का मतलब किसी एक फोर्स में ज्यादा हो जाएगा। हमने पढ़ा है F net = M into A, ठीक है। ये अगर ना इधर जाए ना इधर जाए, इट मींस कि इसके अंदर कोई भी एक्सेलरेशन हुआ नहीं, हुआ वहां पे एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है, जब ये रेस्ट कंडीशन में था तब। अगर ये किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता तब भी ये सारे फोर्सेस लगते, उसके बावजूद इसकी स्पीड ना ज्यादा होती, वेलोसिटी ना ज्यादा होती ना कम होती, मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता, उस टाइम पे भी इसका एक्सेलरेशन कितना होता? जीरो, ठीक है। कहने का मतलब सारे फोर्सेस इसका कुछ बिगाड़ ना पाएंगे, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे और मोशन में है तो मोशन में रहे, ठीक है। तो कहने का मतलब इक्विलिब्रियम आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर कोई पॉइंट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब भी उस पर कितने भी फोर्सेस वर्क करें वो रेस्ट में बना रहे, ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तब भी उतने कितने उस पर कितने भी फोर्सेस वर्क करें वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहे। तो उसकी इस एक्चुअल कंडीशन को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अब जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा तो हमको पता है F net = M into A, ठीक है। अगर रेस्ट में होगा तब भी एक्सेलरेशन जीरो, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तब भी एक्सेलरेशन जीरो होगा कि नहीं होगा? मतलब एफ नेट कितना आएगा इसका? मास इंटू एक्सेलरेशन कितना? जीरो आएगा ना, मतलब एफ नेट कितना हो जाएगा? पूरा पूरा जीरो। हमको पता है हम इसको जीरो नहीं कर सकते, यम कभी जीरो नहीं होता ना, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, मास कभी जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ होता। तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, इसलिए टोटल उस पर फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्सेस जीरो, ठीक है, कोई एक फोर्स जीरो नहीं हुआ है, नेट फोर्सेस जीरो हुए। तो इसी, अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। और दूसरा हमारा इसमें वर्ड है कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब होता है कि किसी एक ही ऑब्जेक्ट पे, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे काफ़ी सारे फोर्सेस वर्क करें, ठीक है, F1, F2, F3 तीन फोर्सेस वर्क कर रहे हैं ना, तो एक ऑब्जेक्ट पे के एक पॉइंट पे काफ़ी सारे अगर फोर्सेस वर्क करें तो उन फोर्सेस को हम कहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। मतलब ये F1, F2, F3 आपस में कैसे फोर्सेस हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या था? जब टोटल नेट फोर्स जीरो हो जाए। और कॉन्करेंट फोर्सेस क्या थे? किसी एक ऑब्जेक्ट पे, हाँ, एक किसी एक ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट पे काफ़ी सारे फोर्सेस वर्क करें तो उन फोर्सेस को आपस में क्या कहते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। कुछ इसकी थियरी हमको पढ़नी है,
क्लियर। अब हमारे पास टॉपिक क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस का इक्विलिब्रियम कंडीशन किस तरीके से होगा, हमको इक्विलिब्रियम को मतलब एफ नेट इज इक्वल टू जीरो पता चल गया है, ठीक है। यहां से हम निकाल लेते हैं, देखो एफ कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, इनका रिजल्टेंट फोर्स अगर इनका एक रिजोल्यूशन वेक्टर निकालेंगे तो कैसा निकलेगा, हमने चैप्टर फोर में पैरेललोग्राम ला देखा था, ठीक है। यहां से अगर हम इनका एक पैरेललोग्राम खींचें, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, इसके और इसके वेक्टर सम के बराबर होगी, कुछ ऐसा ही पढ़ा था हमने, मतलब ये कितना है एफ थ्री, ठीक है, ये कितना है एफ टू, दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगी ये वैल्यू रिजल्टेंट इसका, होगा कि नहीं। अब ये दोनों फोर्सेस इनका बैलेंस, जो इनका रिजल्टेंट फोर्स यहां वर्क कर रहा है, ठीक है, तो इनसे अब लेना देना है नहीं, है ना। अब एक फोर्स इधर इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है ना, एक डायरेक्शन क्या है इधर, दूसरी की डायरेक्शन क्या है उधर, मतलब दोनों आपस में कैसे हैं, बिल्कुल अपोजिट है ना। अगर हम यहां पे दिखाएं और ये अभी कंडीशन बैलेंस की है, रेस्ट की है, तो एफ वन इज इक्वल टू क्या हम दिखा सकते हैं, एफ थ्री प्लस एफ टू दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते, बस एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये किसमें होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, पक्का बोलो सर, एफ टू और एफ थ्री ये है, ठीक है, इसका और इसका हमने एक रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया, एफ थ्री फोर्स इधर लग रहा था, एफ टू फोर्स इधर लग रहा था, इनके बीच का रिजल्टेंट फोर्स जो निकालेंगे वो इससे और इससे मिलकर बनेगा, इसका वेक्टर सम होगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी होगी, चाहे एफ टू प्लस एफ थ्री करें चाहे एफ थ्री प्लस एफ टू करें, बात एक ही हुई, बस ऊपर वेक्टर लगा के रखेंगे, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट है ये इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, इसके डायरेक्टली अपोजिट में एफ वन वर्क कर रहा है, ठीक है। अब केवल इन्हीं दोनों को हमको देखना है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, किसके थ्रू, एक्शन रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। एफ वन इक्वल टू माइनस एफ थ्री प्लस एफ टू होगा कि नहीं होगा, ये पूरा उठा के इधर लाओ, माइनस उधर है इधर आ जाएगा, तो एफ टू इक्वल टू इधर कितना बचेगा, जीरो। एफ वन एफ थ्री एफ टू कहने का मतलब एफ वन एफ टू एफ थ्री सारे के सारे फोर्सेस कितने हो गए, जीरो। यही हमको दिखाना था ना, एफ नेट इक्वल टू जीरो, यही तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन शो करवानी थी कॉन्करेंट फोर्सेस की, और यही हमने कॉन्करेंट फोर्सेस की दिखा दी कि एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री इक्वल टू जीरो। जैसे तीन फोर्सेस वर्क कर रहे थे, वैसे एन टाइप ऑफ फोर्सेस वर्क करेंगे तब भी कितना हो जाएगा, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ फोर इक्वल टू एफ एन प्लस एफ एन तक ले लेते हैं, डॉट डॉट एफ एन इक्वल टू कितना होगा, जीरो। अगर तीन फोर्सेस की वैल्यू जीरो आ गई, तो अगर सारे के सारे वर्क करेंगे सबकी जीरो आएगी, सबका वेक्टर सम कितना होगा, जीरो, ठीक है। बस कंडीशन क्या है, रेस्ट में होना चाहिए, रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए, इसीलिए तो यन टाइप आप दिखा दिया, यन लगे मतलब कितने भी लगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नंबर ले सकते, ठीक है। इस पे एक न्यूमेरिकल है जो तुम लोगों को करना है अभी, ठीक है। हाँ, इसका एक न्यूमेरिकल देख लो, ए मास ऑफ 6 kg सस्पेंडेड बाई अ रोप ऑफ लेंथ 2 meters फ्रॉम अ सीलिंग, ठीक है, एक सीलिंग से 2 meters की एक रोप से एक मास 6 kg का मास लटकाया हुआ, ठीक है, लाइक दिस, ये एक सीलिंग है, यहाँ से 2 meters एक लॉन्ग रोप है जिससे कितने केजी का मास लटका हुआ है, 6 kg का। ए फोर्स ऑफ 50 newtons इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप, ठीक है, ये देखो 2 meters की लेंथ है, इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा, 1 meter के बराबर, मतलब यहाँ कहीं आधा इसका, ठीक है, यहाँ से पकड़ के हॉरिजॉन्टली बिल्कुल चाहे इधर क्या लगाते हैं, एक 50 newtons का फोर्स लगाते हैं, ठीक है, यहाँ से पकड़ के हल्का सा चाहे इधर ले लें चाहे इधर ले लें, ठीक। तो ये डायग्राम कुछ कैसा दिखेगा हमको,
अगर हम सपोज दैट पकड़ के इधर से ऐसे हल्का सा 50 न्यूटन का फोर्स लगा के यहाँ पे लगा लिए, तो ये अपनी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट से हल्का सा इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और फिर से नीचे का नीचे लटक जाएगा, लटके का 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल तो या तो यही होती है ना, या तो इधर खींचे या तो इधर खींचे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब बीच में, बिल्कुल एक मीटर वाली रोप पे। पूरी पूरी लेंथ कितनी है, 2 मीटर, तो 1 मीटर पे पकड़ के खींच लेना है, ठीक है। और कितने न्यूटन का फोर्स लगाना है, 50 न्यूटन का, ठीक है। वाट इज द एंगल ऑफ द रोप मेक विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, मतलब एंगल ऑफ रोप अब कितना बनेगा, ये नीचे का अपना वही कितना न्यूटन, कितना किलोग्राम मास, 6 किलोग्राम, ठीक है। पूछ रहा है वर्टिकली या कितने डिग्री का एंगल ये बनाएगा, अगर हम 50 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर दें तो इस डायरेक्शन में, बताओ। क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, देखो सीलिंग से एक 2 मीटर की लेंथ पे एक 6 kg का मास लटका हुआ है, ठीक है। इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से, मतलब रस्सी के बिल्कुल मिड पॉइंट से हमने 50 न्यूटन का हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाया, मतलब 1 मीटर से हमने पकड़ के इस मास को खींच लिया अपनी तरफ, ठीक है। चाहे हॉरिजॉन्टली अपनी तरफ खींचो, चाहे उधर पुश कर दें, ठीक है। तो 50 न्यूटन का फोर्स अगर हमने यहाँ पे लगा दिया, तो अब पूछ रहा है कि ये जो रोप है वो वर्टिकली कितने डिग्री का एंगल, कितने डिग्री के एंगल पे झुक जाएगी, कितना एंगल बनाएगी, बोलो। थीटा पूछ रहा है, अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, टू मीटर लॉन्ग रोप थी, हमने 1 मीटर पे पकड़ के खींच लिया, कुछ इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लगा के, ठीक है। बाकी का बाकी 1 मीटर ये है, बाकी का सब नीचे 1 मीटर, और कितने केजी है, 6 kg। नीचे की तरफ फोर्स कितना लगा रहा होगा, अगर हम mg इसका बोल दें, फोर्स कितना लगा रहा होगा, 6 × 10 60 न्यूटन का लगा रहा होगा, नहीं लगा रहा होगा। अब ये एंगल पूछ रहा है, इसके 2 कंपोनेंट्स बना लो, 50 न्यूटन के, देखो यहाँ से ये 60 kg है, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा, एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा, जितना ये होगा अगर यहाँ से देखें हम, तो ये किस फॉर्म में, एंगल के साथ वाला जो जाता हो के कॉस थीटा को शो करता है, करता है ना, मतलब ये फोर्स कॉस थीटा को शो करेगा, और ये किसको शो करेगा, साइन थीटा को, या साइन थीटा। इसकी वैल्यू इतनी दी हुई है, इसकी वैल्यू इतनी दी हुई है, दोनों का एक इक्वेशन बनाओ, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 60 न्यूटन, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू इतना न्यूटन, दोनों को आपस में डिवाइड करवा दो, बोलो। एफ साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आया है, हाँ बहुत सही, 50। सुनो, एफ साइन थीटा ऊपर, एफ साइन इधर, एफ साइन थीटा है ना, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 50 न्यूटन। एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ऊपर 60 न्यूटन। दोनों इक्वेशन है, दोनों को आपस में डिवाइड करवा दो, ठीक है। फोर्स से फोर्स कैंसिल, साइन अपान कास क्या हो जाएगा, 10 होगा ना, 10 थीटा इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 5/6। मतलब एंगल पूछ रहा है, केवल थीटा पूछ रहा है ना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 inverse 5/6। कुछ क्लियर हुआ, ऐसे हम एंगल निकालेंगे, ठीक है, क्लियर है।